आयोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मौजूदा दौर में चुनाव हो और ईवीएम पर सवाल खड़े न हो, ये हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर निशाना साधा है। चुनाव 2022 में है, लेकिन निशानेबाजी अभी से शुरू हो गई है। आज मंथन में बात इसी पर, ईवीएम हटाओ। भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। फिर हमने क्या है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। तार ईवीएम पे धांधली के मामले सामने आए कि उन्हें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, स्पष्ट कर देता है कि उन्हें जनता का रुख समझ में आ गया है। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तर्क दे रहे हैं ईवीएम का, जो हम लेकर मंथन में, जो ये अपना जो हमारा मुखड़ा है ना मंथन का, वो हम लेकर आए हैं। और वो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में कई दिग्गज नेताओं को शामिल करा रहे थे। इसमें कांग्रेस के गया दीन अनुरागी, जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में आए, और कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, पिछड़े नेता, दलित नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर ईवीएम पर निशाना साधना नहीं भूले। अखिलेश यादव, आप सुनिए, फिर और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। अभी बैलेट से अभी हारी है, अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा, जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। और जब अमेरिका जैसा देश कर रहा हो बैलेट से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जैसा देश, जब वो बरसों पहले जिसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी और वो ईवीएम ले आया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद भी बैलेट से वोट अभी भी पड़ते हैं। अभी भी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो बाइडेन साहब जीते हैं चुनाव, वो बैलेट से ही जीते हैं, बैलेट ही है। और उन्होंने इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से कहा, मजबूती के साथ में रखा कि भाई समाजवादी पार्टी जो अभी जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दे दी थी और दे दी है, ये सही है, क्योंकि ये चुनाव बैलेट से हुआ था। बैलेट वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी थी, यानी हरा दिया था। तो इस जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि जो जनमत है उनके साथ में है, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस और प्रशासन का सहारा लेकर जो जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को लाठियों से पिटवाया और जो गांव की सत्ता थी उसका अपहरण कर लिया। ये अखिलेश यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम है ना, इसे हटाओ। लेकिन उन्होंने एक नारा दे दिया कि ईवीएम हटाओ और सपा को जिताओ। इस चुनाव में मुझे लगता है ये नारा चलने वाला है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज ये नारा ही दे दिया एक तरीके से उन्होंने। ईवीएम को लेकर ये पहली बार इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से आज तक देश में शायद कहीं कोई चुनाव हुआ हो और उसमें ईवीएम की चर्चा न हुई हो या ईवीएम निशाने पर न रही हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस बात को कि जहां विपक्ष जीत जाता है वहां ईवीएम नहीं गड़बड़ करती, वहां ईवीएम सेट नहीं होती, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है वहां ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं, तोहमत लगा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि अगर ये बार 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 बारम्बार अगर हर जगह मांग उठ रही है तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी। और जो मेरा अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई विपक्ष आरोप लगाता है और चुनाव में लड़ लेता है, ईवीएम से चुनाव में लड़ लेता है, आरोप भी लगाता है, तो दोनों बातें नहीं हो सकती। तो अब सत्ता पक्ष को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने क्या कहा, और उसके बाद फिर कांग्रेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की जरूरत है, वो भी आपको सुनाएंगे।
अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि उन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है, स्पष्ट कर देता है कि उन्हें जनता का रुख समझ में आ गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि जनता 2022 में भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन देगी, इसलिए वो इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी, आखिर उन्हें विश्वास है किस पे? कभी वो चाचा पे संदेह करते हैं, कभी पुलिस प्रशासन पे संदेह करते हैं, कभी ईवीएम पे संदेह करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे संदेह करते हैं। ऐसे व्यक्ति पे जनता भी विश्वास नहीं करेगी और 2022 में प्रचंड बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी ही। ये साक्षी दिवाकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा और नवनियुक्त प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, बात ईवीएम की हो रही थी, वो चाचा तक पहुंच गई कि भाई चाचा से संदेह करते हैं चाचा पे। अरे भाई, उनके घर का मामला है, अभी तो बात ईवीएम की हो रही है, इस पर सभी को चुनाव लड़ना है। और विपक्ष शुरू से ईवीएम को विपक्ष निशाने पर रख रहा है, उस पर संदेह व्यक्त कर रहा है, तो चाचा कहाँ से आ गए इसमें? कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत को भी सुनिए। देश व प्रदेश में लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करे, क्योंकि विभिन्न दलों के नेताओं ने भी ईवीएम के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की कि आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता का जो मत होता है और जनता की जो भावनाएं होती हैं, उससे सरकार को फैसला करने की आवश्यकता है। लेकिन आज की डेट में जनता को विश्वास नहीं रहा ईवीएम पर। लगातार ईवीएम पे धांधली के मामले सामने आए, कहीं पे हैकिंग के मामले सामने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे थे कि जब तक ईवीएम है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। तो इससे संदेह बढ़ जाता है और जनता को विश्वास उठ चुका है ईवीएम से, तो आने वाले समय में सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। सचिन रावत पता नहीं क्या अंटसंट बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब तक ईवीएम है हमें कोई हरा नहीं सकता। ये कौन किस नेता ने आधिकारिक रूप से बात कह दी? हो सकता है इनके कुछ मित्र बीजेपी में हो, और कभी जब शाम को ये लोग बैठे हों किसी चाय पार्टी में, तो ये बात अलग है कि उस चाय पार्टी में जीरो आवर के दौरान ये बात कह दी हो किसी ने सेखी बगाड़ने के लिए। लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, और ना ही ये कह रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक डेमोंस्ट्रेशन भी दिल्ली की विधानसभा में दिया था कि कैसे हैकिंग की जाती है, हैकिंग को लेकर एक से एक प्रकांड पंडितों ने अपने मत रखे, और कहाँ क्या हो जाता है ये पता ही नहीं। पेगासस का मसला भी इसी तरीके का बताया गया कि भाई जब मोबाइल के अंदर जब आपके जासूसी हो सकती है, तो जब पेगासस का मसला अभी उठा था थोड़े दिनों पहले, तो ये कहा गया कि आपकी जब जासूसी मोबाइल के अंदर आपकी जासूसी हो सकती है, तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक की जा सकती? तर्क बिल्कुल मजबूत हैं, हम तर्कों को नहीं काट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ना कि अखिलेश जी ने आज एक सुर्रा छोड़ा, इसे सुर्रा कहेंगे राजनीति में, एक सुर्रा छोड़ दिया। लेकिन कभी भी आज तक मुझे याद नहीं पड़ता है कि संपूर्ण विपक्ष, पूरे विपक्षी नेता कभी एक साथ कोई जो समन्वय बैठक क्या की उन्होंने, क्या कोई उन्होंने एक संयुक्त बैठक की ईवीएम के मसले पर, और कभी एक साथ सभी दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर संपूर्ण विपक्ष क्या चुनाव आयोग में गया? कभी यूपीए के लोग, कभी ये लोग, कभी वो लोग। कांग्रेस ने जरूर कई बार शिकायतें की हैं और भी अलग अलग लोगों ने शिकायतें की हैं, लेकिन जो बात यह है कि भाई अगर आप नहीं चाहते तो आप चुनाव लड़ते क्यों हैं? भाई आप क्यों चुनाव लड़ते हैं? आप कराने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को खुद अपना जहां उनकी सरकारें हैं वो चुनाव कराएं और खुद जीत कर बैठ जाएं। आप चुनाव चुनाव में भाग क्यों लेते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है? आप कह दीजिए, आप एकजुट हो जाइए और कह दीजिए एक साथ बैठकर कि भाई अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी। और जब अगर पूरा विपक्ष यूनाइट हो जाएगा तो सरकार को निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से यह तय है कि उसे ईवीएम के साथ में बैलेट वोट भी कराने पड़ेंगे। जैसे अभी कुछ चीज़ें ईवीएम में भी जो रैंडम वाली व्यवस्था की गई है कि भाई आप अपना वोट देख सकते हैं, इस तरह के आरोप लगे कि भाई वोट बटन कहीं दबेगा जाएगा बीजेपी को, इस तरह की बातें आई, तो ये भी दिखाया गया कि भाई आप बटन दबा के आपको दिखा दिया गया वोट कहाँ गया आपका, जो निकला जो पर्ची निकली तो पर्चियाँ। लेकिन ये बहुत
मिनिमम व्यवस्था है, बहुत मतलब बहुत माइक्रो लेवल पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये कुछ जगह इस तरह की मशीनें रखी जाती हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि आपने किसको वोट डाला। तो ये स्थितियां बहुत विकट हैं, और पूरे विपक्ष को मैं कहूंगा कि पूरे विपक्ष को एक साथ होकर एकजुट होकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए, अगर वो करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ तो फिर हटाओ, क्यों बैठे हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मनीष गुप्ता व्यापारी को पीट पीट कर पुलिस वालों ने मार डाला गोरखपुर में, उसके तमाम पहलू आए। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को राहत दे दी, नौकरी दे दी, और ये भी भरोसा दिलाया कि नहीं, दोषी पुलिसकर्मी पकड़े जाएंगे, प्रयास चल रहे होंगे। पुलिसकर्मी फरार हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आए, काफ़ी समय हो गया है, कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आए हैं। इस और एक तरफ पुलिस इनकाउंटर करी जाती है, तमाम घटनाओं को करी जाती है, दह धड़ाधड़ इनकाउंटर आप देखेंगे। इधर तो थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो हर रोज दो चार खबरें आती थी कि भाई ज्वार के खेत में, कहीं मक्के के खेत में, कहीं बाजरे के खेत में कोई करा रहा होता है, पैर में गोली लगी होती, कहते हैं हाफ इनकाउंटर है। भाई पहली बार हमने सुना है देश में कि पुलिस एलानिया कहती हाफ इनकाउंटर है। पहले तो ये स्थितियां थी कि भाई मुठभेड़ हुई और चाहे पुलिस को गोली लगी और चाहे बदमाश मारा गया, ये होता था, लेकिन अब करें भाई हाफ इनकाउंटर करेंगे, तो यानी पकड़ के गोली मारेंगे आप। खैर, हो सकता है एक तरीका हो, और बड़ा इसकी तारीफ भी लोग करते हैं अपने अपने तरीके से, जो लोग कुछ लोग होते हैं वो अपना तारीफ करते हैं, हर जो काम होता है उसका एंगल है, अपराधी का दमन हो चाहे जैसे हो, ये थोड़ा देखना होगा। लेकिन जो गोरखपुर का मसला है वो बहुत सुर्खियों में है, चर्चा में है, और इस पूरे मसले पर पूरा विपक्ष सरकार को अभी भी निशाने पर लिए हुए हैं, क्योंकि बात बात पर अपराधियों के घर ध्वस्त हो जाते हैं, अपराधियों के, मैं कोई किसी को आक्षेपित नहीं कर रहा हूँ, अपराधी हैं, ठीक है, लंबी फेरिस्त है, लंबे मुकदमे हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लिए फिरते हैं, क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनके घरों में बुलडोजर चलाएंगे, इनका भी तो अपराध वही है कि एक मासूम व्यक्ति को जो व्यापार करने के लिए निकला था उसको पीट पीट कर मार डाला। और एक तथ्य आज और निकल कर आया कि जो वहाँ होटल का मालिक है उसने कहा भाई आईडी का कोई मसला ही नहीं था, सारे लोगों के पास आईडी थी, बिना आईडी के हम होटल में एंट्री नहीं देते। तो सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं, और ये मक्कार अफसर, मैं मक्कार शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि मक्कारीपूर्ण बातें कर रहे हैं इन लोगों ने, सरकार की छवि को बट्टा लगाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस बेहतरीन तरीके से चल रही थी ना, उसमें इन्होंने बट्टा लगाया है, ये खुद ही क्राइम कंसील कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये पुलिस वसूली पुलिस हो गई है, जो 100 नंबर हमने बनाया था, अगर ना पता हो, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ नेताओं को शामिल कराने के बाद, उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो 112 वाले हैं ना, ये नंबर ही हो गए हैं। हमारे गांव में कहा जाता है ना, जो बहुत 420 टाइप का लुटेरा टाइप का आदमी होता ना, उसको कहते हैं बड़ा नंबर ही है, नंबर ही बदमाश है। बोले गुरु एक नंबर ही, मतलब दो नंबर ही नंबर दिए जाते हैं कि भाई ये नंबर ही आदमी है, नंबर ही मतलब ये है खुरापाती, ये है लुटेरा, ये है अपराधी। तो वो कह रहे हैं 112 वाले नंबर ही हो गए। सुनिए अखिलेश यादव को। क्या आपको ये जानकारी नहीं, पुलिस वसूली कर रही है, कमाल है आपको, उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं आप, ये 100 नंबर जो 112 हो गई है, आप लोगों से पूछिए जाके क्या हालत है लोगों की। उन्होंने बताया कि भाई पत्रकार से वो सवाल कर रहे हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हो क्या, भाई आप
जो 100 नंबर जिसको 112 कर दिया उसका नंबर बदल दिया है तो पुलिस वाले नंबर ही हो गए हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ कौन किसको मारे डाल रहा, काटे डाल रहा, इनकाउंटर के नाम पर हत्याएं भी कर देते हैं। अब यहाँ ये वसूली का ही प्रमाण था कि व्यापारी को पीट पीट कर मार डाला, इस कदर मारा, इस कदर मारा कि प्राण निकल गया उसके। जो पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, उसको आप देखिए, इतनी चोटें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाई गोरखपुर के जो कप्तान हैं वो भाजपा के रिश्तेदार हैं और उन्होंने जो फेक इनकाउंटर का हवाला दिया, विवेक तिवारी लखनऊ में, झांसी में पुष्पेंद्र यादव और नोएडा का एक हवाला उन्होंने दिया कि ये तीन इनकाउंटर तो बहुत चर्चित रहे, एक निर्दोष लोगों को पुलिस ने मार दिया। क्या हुआ, कहाँ है वो, हो सकता कहो बाहर घूम रहे हों। तो ये पूरा जो परिदृश्य है पुलिस का, उन्होंने एक एक चीज को बताया और सीधे सरकार पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो स्थितियां बड़ी ही विपरीत हैं और बहुत ही भयानक स्थितियां हैं। अब देखने वाली बात होगी, अगर कोई और अखिलेश यादव का बयान हो तो हमारे साथ ही सुना सकते हैं। नोएडा में हत्या हुई, एक इंस्पेक्टर था, जिम इंस्पेक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई, आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पेंद्र की पुलिस ने हत्या की और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं, फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में, फेक एनकाउंटर की सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने ठोक कर कहा, खम ठोक कर कहा, दम के साथ में कहा कि उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं, निर्दोष लोगों को पुलिस ने मारा है। और एक बात और कही कि जब आप पंचायत के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करवाएंगे, प्रत्याशियों जो आपके विरोधी हैं उनको डंडे पिटवाएंगे, उनको बंद कराएंगे और जो जनमत है ना उसका अपहरण करेंगे, छीन लेंगे उसको, और इसी पुलिस के माध्यम से, इसी प्रशासन के माध्यम से, तो आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। फिर कार्रवाई आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है ना वो अपराधियों से ज़्यादा खतरनाक हो गई है उत्तर प्रदेश में पुलिस। एक ब्रेक के लिए लुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर पलटवार किया है, उसे बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। फिर हमने क्या है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। तार ईवीएम पे धांधली के मामले सामने आए कि उन्हें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, स्पष्ट कर देता है कि उन्हें जनता का रुख समझ में आ गया है। उन्हें आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद दामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डैडी को पसंद,
क्लासिकल गाना। और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक थी। समापन सत्र में योगी आदित्यनाथ ने युवा भाजपाइयों को, युवा मोर्चे के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनको जोश भरा और उन्हें एक संदेश दिया कि भाई जो ये पार्टियां हैं ना, दूसरी दल हैं, इन्होंने कुछ किया हुआ नहीं है। आप अपनी बातें, जो आपकी सरकार है उसने बहुत कुछ किया है, और आप जाइए और गांव-गांव इस बातों को बताइए। लेकिन योगी जी ने कल ये बात हुई थी कि योगी जी केवल सपा को निशाने पर रखते हैं, आज शायद उन्होंने बसपा को भी लपेटे में ले लिया। योगी जी का पलटवार सुनिए। और मध्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठती थी कि आखिर हमने क्या क्या है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। 5 वर्ष बसपा को मिले थे, 5 वर्ष सपा को, 5-5 वर्ष का कार्यकाल मिला था और 5 वर्ष हमारी सरकार को ही मिला। अब तय करो चलो युवाओं के लिए किसने ज्यादा किया। सपा की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी मिली, ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ। बसपा भी अपना आंकड़ा प्रस्तुत करे, और ऐसा तो नहीं कि कोई आंकड़ा छुपा सकता है, सब पब्लिक डोमेन में है। और ये कहिए, हम भी कहते हैं, मुझे लगता है जितना दोनों सरकारों ने नहीं किया होगा उससे ज्यादा नौकरी 4.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को दी है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, और 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के साथ ही जो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, जो निवेश हुआ, इस निवेश के माध्यम से जिस प्रकार की संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में मदद। बसपा और सपा को उन्होंने सीधे निशाने पर लिया, कहा भाई उनको पूरा मौका मिला है, लेकिन उन्होंने घर भरा और हमने युवाओं को नौकरियां दी। योगी आदित्यनाथ ने ये बात बहुत पुख्ता तरीके से, बड़ी जोरदारी के साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो प्रदेश कार्यकारिणी की के समापन अवसर पर इस बात को कहा, और प्रत्येक युवा को इस बात का संदेश दिया कि भाई आपकी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कहीं कोई संदेश नहीं। आगे बढ़ते हैं, और अब बात एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS इफ्तिकारुद्दीन की। इफ्तिकारुद्दीन पर आरोप लगे कि उन्होंने कानपुर के कमिश्नर रहने के दौरान अपने घर का दुरुपयोग किया, और उसे जो धार्मिक माहौल बनाने के लिए, और ये भी आरोप लगे कि वो मतांतरण के लिए, धर्मांतरण के लिए एक कार्य योजना एक बनाने के लिए, या उसे दूसरी भाषा में कहें कि मतांतरण का षड्यंत्र उन्होंने रचा, और इसके लिए उन्होंने अपने सरकारी बंगले का प्रयोग किया। ऐसे उन पर आरोप लगे, उनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत की जाई गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक SIT का गठन किया, DG स्तर के अधिकारी गोपाल लाल मीणा और ADG जोन कानपुर भानु भास्कर ने 2-3 दिनों के अंदर पूरी जांच की, और प्रथम दृष्टया आज शासन को यह जानकारी दी गई SIT की तरफ से। प्रारंभिक जो रिपोर्ट शासन को दी गई उसमें यह बताया गया कि वास्तव में जो वीडियो वायरल हुआ है ये कानपुर के कमिश्नर आवास का ही है। पुष्टि लग गई, पुख्ता सबूत एक तरीके से जो SIT ने पुख्ता कर दिया कि जो धार्मिक बातें कहना, दूसरे धर्म को हीन बताना,
और दूसरे धर्म के खिलाफ विष बवन करना। इस बीच इफ्तिकारुद्दीन पर कई और आरोप लगे। एक महंत निकल कर आ गए, उन्होंने कहा कि जो कल्याणपुर की सीटीएस बस्ती है, राजकीय उन्नयन बस्ती, उसे उजाड़ने के एवज में पूरी बस्ती का धर्मांतरण कराने की बात उन्होंने कही थी। तरह तरह के दावे आ गए। एक दो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी आ गए कि भाई हमने सबसे पहले शिकायत की थी। लेकिन हमारी जानकारी में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक, कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक और मठ मंदिर समिति के कर्ता धर्ता भूपेश अवस्थी जी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सबसे पहले इस मामले को उठाया। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भूपेश अवस्थी जी की शिकायत पर ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर एसआईटी का गठन किया है। भूपेश अवस्थी जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। जो आपकी शिकायत पर एसआईटी गठित हुई, कार्रवाई हुई, तमाम तरीके की बातें अब निकल कर आ रही। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इफ्तिकारुद्दीन ने ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था, बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए भी आ रहे हैं, उनमें कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी हैं। एक तो पहला मेरा सवाल ये है आपसे। दूसरा मसला ये है कि आज एसआईटी ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी शासन को। ये हमारे पास एक जानकारी आई कि उसमें ये कहा गया कि वायरल वीडियो मंडलायुक्त, जो कानपुर का मंडलायुक्त आवास है, वहीं का है और तत्कालीन मंडलायुक्त की पूरी सहमति, पूरी अनुमति के साथ में ये जो धार्मिक संगत हुई, ये बैठक हुई, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसी बैठक हुई है। आपके पास इस जांच को लेकर क्या जानकारी हुई? क्या एसआईटी ने आपको भी बयान देने के लिए बुलाया, भूपेश जी? नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं बुलाया गया है। अभी एसआईटी ने हमसे कोई बयान नहीं लिया है जी, लेकिन हमारे दो तथ्यों पर हमने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। प्रथम तो ये कि ये वीडियो उनके आवास पर बना है, जो शासकीय आवास उनको आवंटित किया गया था उस पर बना है जी। और दूसरा ये उन्हीं के द्वारा वीडियो बनाया गया है, जो तकरीर की जा रही है, जो दूसरे धर्मों के विरोध में भाषण तकरीर की जा रही है, दूसरे धर्मों को महिमामंडित नहीं, मतलब अपने धर्मों को महिमामंडित किया जा रहा है, तो ये वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया है। वो दोनों बातें लगभग प्रमाणित हैं, वीडियो भी उनके द्वारा जारी किया गया है और वो वीडियो उनके शासकीय आवास पर बना है। ये दोनों चीजें एसआईटी ने एक तरह से साबित कर दी हैं। तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। आईएएस के जैसे वरिष्ठ पद पर, वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्य रहने के बाद ये संविधान की जो शपथ ली जाती है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत। भूपेश जी, अभी तक एसआईटी ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया है, कोई फोन आपके पास नहीं आया, कोई किसी अधिकारी ने कुछ इस संदर्भ में नहीं पूछा कि भाई आप मुख्य शिकायत करता हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। अभी तक मेरे पास कोई सूचना एसआईटी की तरफ से नहीं आई। लेकिन अगर देखें तो ये पूरा मसला, जैसा कि आपने हिम्मत भी की और आपने ये तथ्य भी जुटाए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था कि आपने एक ऐसे मसले की शिकायत की थी जो बहुत हाइपर सेंसिटिव मसला था, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी का मसला था और वो उत्तर प्रदेश के जो परिवहन विभाग में उसके मुखिया हैं। उसके अलावा एक तरीके से आप देखेंगे इस पूरे मसले पर यूपी की आईएएस एसोसिएशन, भारत की आईएएस एसोसिएशन, इस मसले पर कोई बयान ना आना, कोई स्पष्टीकरण ना आना, और जहाँ तक देखा जाए जाँच शुरू हो गई, एसआईटी आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से भी अभी इस पूरे मसले पर की है क्या मामला, ये क्यों हुआ? और क्या एक आईएएस अफसर को अपने बंगले का इस तरीके का जो दूसरे धर्मों के प्रति विषभमन या अन्य जो गतिविधियां उनको करने के लिए अनुमति है? और ये वीडियो बनाया किसने और क्यों बना? ये दो तीन सवाल हैं हमारे। अगर आपको इस विषय में कोई जानकारी हो तो दर्शकों को बताइए। नहीं नहीं, मेरे तो देखिए, मेरी तो बात बड़ी स्पष्ट है कि मेरे संज्ञान में 25 तारीख को ये वीडियो आया जी, और 25 तारीख को ही एक वायरल वीडियो था जिसको मैंने देखा और मुझे वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक लगा जी। और मुझे लगा कि अपने धर्म की और अपने राष्ट्र के हितों के लिए जरूरी है कि इस वीडियो को जांच के लिए भेजा जाए। मैंने उसी समय 8:30 बजे रात में
माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट किया और उनसे ये अनुरोध किया कि इस वीडियो की जांच कराई जाए, इस वीडियो की सत्ता की जांच कराई जाए। अगर ये वीडियो उनकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से उनके विपरीत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत त्वरित गति से निर्णय लेते हुए उन्होंने SIT का गठन किया। लेकिन एक सवाल उसके बाद भी है कि अभी आपने देखा होगा कि तमाम गिरफ्तारियां ATS ने की हैं धर्मांतरण के मामले में, जिनमें जितनी आरोप इन पर प्रमाणित हैं उतने ही आरोपों पर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ठीक बात। और इनको अभी तक उस गिरफ्तारी की स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि प्राइमरी रिपोर्ट जो गई है SIT की वो निश्चित रूप से इनके विरोध में है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर बिना किसी दबाव के निर्णय करेगी। निश्चित तौर पर भूपेश जी, निश्चित तौर पर इनकी है तो यह बात आप भी जानते हैं कि जब इस देश की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें IAS का पद सर्वोच्च पद है जी, और ऐसे पद पर कोई अधिकारी जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है अगर बैठ कर किसी धर्म विशेष की बात करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो जो उनके पास जो लोग आते हैं न्याय मांगने के लिए उनके उनके साथ न्याय कतई नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा खराब संदेश। बिल्कुल ठीक बात है भूपेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इससे बहुत खराब संदेश जाएगा। और एक बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि भाई तमाम लोग उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए, देश से गिरफ्तार हुए धर्मांतरण कराने में, लगभग जो इफ्तिकारुद्दीन पर आरोप लगे हैं वही आरोप उन पर लगे हों, चाहे मौलाना कलीम हो या अन्य लोग हों, लेकिन अभी तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी हमसे बात करने के लिए, और कोई नई जानकारी मिले तो जरूर हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से भूपेश जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया और उन्होंने इस बात को कहा कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। एक तुलना की, आप समझ गए होंगे कि भाई एक तरफ जिन पर मतांतरण या धर्मांतरण का आरोप लगा वो जेल में है, मौलाना को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इफ्तिकारुद्दीन को निलंबित भी नहीं किया गया। खैर, सरकार जाने। अब चलते चलते जो हमारा सेगमेंट है आखिरी में मंथन के, उसमें एक तस्वीर आई नृत्य की। लखनऊ के इमाम बाड़े में एक बच्ची नृत्य करती नजर आ रही है। वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है, जो इंटरनेट मीडिया है, जो पूरा सोशल मीडिया है, या आप कहिए कि जो भी दुनिया भर में, ये इमाम बाड़ा चूंकि बहुत ऐतिहासिक और एक संवेदनाओं से जुड़ा एक ऐसा स्थल है कि इसको लेकर तमाम लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये इस पवित्र स्थल पर ये नृत्य, ये अपमानजनक है, ये ठीक बात नहीं है। हमने पूर्व में देखा कि इस समय आजकल एक तरीके से झड़ी लग गई है एक तरह तरह के नाच की। पहले आपने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने नृत्य किया लोक कलाकारों के बीच में, फिर शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में नृत्य करने पहुंच गए, और अभी कल हमने एक तस्वीर दिखाई कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश में लोक नर्तकों के साथ थिरकते नजर आए। लेकिन ये जो नृत्य है इसको लेकर हंगामा बरपा है। उत्तर प्रदेश के वक्फ मंत्री मोहसिन रजा, जो बहुत सारी बातें करते हैं अक्सर और इस बात को तमाम कठमुल्लों को चुनौती देते हैं, तमाम जो वक्फ को और अल्पसंख्यकों के जो जिनको कहते हैं कि बिल्कुल दकियानूसी जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस मामले को मोहसिन रजा ने भी आपत्तिजनक बताया है। लखनऊ के DM और जो इमाम बाड़े की व्यवस्था देखता है उस तंत्र को, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहाँ जो गाइड, जो अन्य लोग वहाँ मौजूद थे, क्या उनकी दायित्व तो नहीं बनता? क्या जो आपके सुरक्षाकर्मी हैं उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता इसमें? अब ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। मोहसिन रजा का पत्र आप ये देख रहे हैं, मंत्री हैं सरकार के, तो ये इस तरह का जो नृत्य का मसला है इसको लेकर इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं, मंत्री जी ने सवाल उठा दिए हैं। अब आप देखिए और खुद तय करिए
कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप जनता हैं। इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मंथन में आज इतना ही, सोमवार को फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजककर्ता हैं कमला पसंद।